झारखंड से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज प्रसाद साहू से जुड़े ठिकानों पर 9 दिसंबर को भी छापेमारी जारी रही। रिपोर्ट के मुताबिक इनकम टैक्स की टीमों को ओडिशा और रांची में पैसों से भरे 22 बैग और मिले। आयकर विभाग के 100 से ज्यादा अधिकारियों को ओडिशा के बालंगीर जिले में अलग अलग जगहों पर तैनात किया गया है। इस छापेमारी के बाद कांग्रेस को चौतरफा घेरा जा रहा है। वहीं हरियाणा में भी इसकी तपिश देखने को मिल रही है। धीरज साहू के खिलाफ जींद में बीजेपी ने रोष प्रदर्शन किया और उन्हें तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किए जाने की मांग की। प्रदर्शन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ता ने कहा कि कांग्रेस के सांसद धीरज साहू के पास अलमारियों में 300 करोड़ से ज्यादा कैश मिला है, जिससे साफ जाहिर है कि कांग्रेस की सरकारों ने लूट मचाई है। तो वो तो देश की सभी जनता जानती है। अभी जहां उनका राज था वहां से भी लगभग 300 करोड़ के आसपास तो पैसे निकले हैं, वह सभी भारतवासियों के सामने हैं। गिनने में भी 3 दिन लगन लग रहे हैं। तो जहां जहां कांग्रेस की सरकार है और भ्रष्टाचारियों का एक बोलबाला है, उनको सह देने वाला कौन है? सोनिया गांधी, राहुल गांधी जो उनके बड़े नेता हैं, उनको भ्रष्टाचारियों को सह देते हैं। ऐसे भ्रष्टाचारियों को देश में ज़्यादा से ज़्यादा सजा मिलनी चाहिए। और भी बहुत कुछ निकलेगा इनके तो आप कि देश की जनता देखने लग रही है इतना भ्रष्टाचार कांग्रेस सरकार ने फैलाया है, शायद आज़ाद हिंदुस्तान में कभी नहीं हुआ। वहीं एक बीजेपी नेता ने कांग्रेस के साथ साथ सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। अपने आप बचने के लिए प्रेशर बढ़ाते हैं और आज सबके सामने है कैसे कांग्रेस के एक सांसद के घर वो पैसा है किसका। कांग्रेस की जो सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है, कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, इस बात को क्लियर करें, बताएं। आज उसी को लेकर पूरी पार्टी का, पूरे जिले का आज ये धरना आज किया है और हम चाहते हैं कि पार्टी, कांग्रेस पार्टी इसके अपना स्टेटमेंट पैसे के बारे में बताए, किसका पैसा है, पार्टी का पैसा है, सांसद का है, किसका है, इसके बारे में। गौरतलब है कि आयकर विभाग की टीम ने बीते बुधवार यानी 6 दिसंबर को ओडिशा के बोध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड और उससे जुड़ी कंपनियों पर छापेमारी की। इन कंपनियों का संबंध कांग्रेस सांसद धीरज साहू से है। इसके अलावा विभाग ने कांग्रेस नेता की कंपनी बलदेव साहू इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड पर भी छापेमारी की। छापेमारी में अब तक 300 करोड़ रुपए से ज्यादा कैश बरामद किया जा चुका है।